नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस टैरो रीडिंग में। ये एक लव रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। अगर ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो अगर वो आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना जो पोर्शन रेजोनेट नहीं करेगी उसे आप लेट गो कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस। डियर डिवाइन टैरो डेक, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, उन्हें बताइए कि उनके जो स्पेशल पर्सन हैं, चाहे वो आप उनके क्रश हैं या पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, एनर्जीज, इंटेंशंस क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। रीडिंग में जाने से पहले प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके, ताकि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो और एक्सचेंज हो सके। डियर डिवाइन टैरो डेक, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स, टेल देम अबाउट द करंट थॉट्स, फीलिंग्स ऑफ देयर स्पेशल पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। First card, second card, third card, fourth card, fifth card, sixth card, or seventh card. Okay, all right. तो प्रिय दर्शकों, डिवाइन टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं उनकी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, जब इनकी मुलाकात आपसे हुई थी, ठीक है, तब इनिशियली आप में जो अंडरस्टैंडिंग की लेवल थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, शुरुआत में। ऑलराइट, ओके। और फिर ये जो पर्सन है, अभी उनका वो क्या सोच रहे हैं या उनकी उनका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये आपकी अपनी लाइफ में शायद करियर में कुछ चाहते हैं, एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। उनकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ अभी है जो शायद अभी आपके साथ, आपकी लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ है उसके साथ ज़्यादा मैच शायद नहीं हो रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। वो कुछ लाइफ से कुछ चाहते हैं, शायद आप कुछ और चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, बट ये जो पर्सन है शायद अभी वो उस कमिटेड रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। मे बी वो अपने करियर में और ज़्यादा इस्टेब्लिश होना चाहते हैं या एक घर लेना चाहते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो शायद वो और थोड़ा वेट करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, और प्रिय दर्शकों, ये कार्ड देखिए, उनके मन ही मन में उनके जो थॉट्स हैं आपके लिए, ये बहुत ही पैशनेट है और पॉजिटिव है। वो कभी कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सच में आपसे कनेक्टेड है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी फोर्थ कार्ड, वो अभी क्या सोच रहे हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनका प्रॉब्लम ये है प्रिय दर्शकों, जो भी आपके पर्सन हैं, कि उनके अंदर बहुत डिज़ायर है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको इन अ वे ये बोल सकते हैं कि आपको पाना चाहते हैं, और वो आपके साथ बहुत ही पैशनेटली कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, और आपके साथ वो एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑलराइट, अभी फिफ्थ कार्ड क्या है। फिफ्थ कार्ड है कि आपका जो ऑरा है ना,
आपका जो भी ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, ये उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, ये मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है। उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई कमी हो जो उन्हें लगता है कि वो आप ही पूरा कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लग सकता है। इसलिए वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और डेफिनेटली उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार और पॉजिटिव इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। ऑल राइट, तो प्रिय दर्शकों, अभी कोर्स ऑफ एक्शन उनका क्या, या फिर वो अभी एक्चुअली किस दौर से गुज़र रहे हैं, तो शायद उन्होंने आप अपने मन की बात आपसे कही होगी, पर आप शायद उन्हें समझ नहीं पाए होंगे, तो इसकी वजह से शायद वो दुखी हैं, वो अभी थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। और मतलब वो डिसअपॉइंटेड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे मनाएं, लेकिन वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपके बिहेवियर से वो दुखी हैं, या फिर आपके शायद कोई और फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप बात करते हैं, तो इस बात से भी शायद वो खुश नहीं है ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, तो प्रिय दर्शकों, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक्चुअली इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम मतलब बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ हम सुख दुख सब कुछ शेयर कर सकते हैं। ये पर्सन आगे चलकर आपके सोलमेट भी बन सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। इनके इंटेंशंस, इनके थॉट्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, ये आपका भला चाहते हैं। शायद वो अभी शादी या कमिटेड रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, बट यही उनका इंटेंशन है कि वो आगे चलकर इन फ्यूचर आपके साथ रहना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके, तो प्रिय दर्शकों, आप देखते हैं डिवाइन टैरो डेक आपको क्या मैसेज या डिवाइन गाइडेंस देना चाह रहे हैं। आपके कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, तो डिवाइन टैरो डेक की तरफ से आपको क्या मैसेज है, ये हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। डियर टैरो डेक, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए, इस रिश्ते में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें किस तरह से इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, तो मेरे व्यूअर्स को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या मेरे व्यूअर्स को क्या स्टेप लेना चाहिए। डियर डिवाइन टैरो डेक, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट स्टैंड दे शुड टेक विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशनशिप। हेल्प देम नो देयर थॉट्स बेटर। ये फर्स्ट कार्ड है, ये सेकंड, ये थर्ड है, फोर्थ कार्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ कार्ड है। चलिए, आपके कार्ड्स हमें मिल गए हैं। ऑलराइट, तो प्रिय दर्शकों, देखिए, ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इमोशनली आप इनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इसी वजह से आप इनके प्रति अट्रैक्टेड हुए थे। ऑलराइट, प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि आप कंफ्यूज्ड, आप समझ नहीं पा रहे हैं इनके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर आप इनके साथ जाएंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं, तो ऐसा कोई डाउट आपके मन में हो सकता है। ठीक है,
और आपके मन ही मन में एक ऐसा चल रहा है कि आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप पर भी शायद कुछ जिम्मेदारियों का बोझ है, शायद वर्क प्रेशर है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो कभी कभी आप इस रिश्ते को अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप पर भी जिम्मेदारियों का बोझ है। लेकिन आप कनेक्ट तो कर पाते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये कार्ड, सॉरी अभी फोर्थ कार्ड देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप एक्चुअली अभी कंफ्यूज्ड हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं। तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको एक्चुअली क्या इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, फिफ्थ कार्ड देखते हैं। आप में अंदर कहीं ना कहीं, आपके अंदर कहीं ना कहीं साहस की कमी मुझे दिख रही है प्रिय दर्शकों, एक साहस की कमी। तो जो साहस एक रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो विल पावर, उसकी कहीं ना कहीं आप में कमी है ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, या शायद आसपास के भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको डिस्करेज करते होंगे इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ऑलराइट, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसा महसूस होता है प्रिय दर्शकों कि जैसे आप इस पर्सन के साथ स्टक हो चुके हैं, किसी एक तरह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं लाइफ में, कंफ्यूज्ड हैं, क्या आपको इनके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऐसी एक सिचुएशन में है। ओके, तो प्रिय दर्शकों देखिए, ये इमोशंस का कार्ड है, इमोशनल बॉन्डिंग का। तो इमोशनल बॉन्डिंग का जो ये कार्ड है, ये रिवर्स आया है, किंग ऑफ कप्स। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, ऐसा भी आपको कभी कभी महसूस होता है। ठीक है, ऑलराइट, आप जो इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत कमी लगती है आपको इस रिश्ते में, इसलिए भी शायद आप कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि मे भी ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने करियर को लेके भी, या फिर वो कुछ ना कुछ लाइफ में अपने आप को और भी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो शायद ये पर्सन, उनके ऊपर भी वर्क प्रेशर हो सकता है, तो हमेशा शायद वो आपको समय नहीं दे पाते हैं। तो आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या इनके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आपकी जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर को आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी इंट्यूशन को सही तरीके से यूज़ किया, तो डिवाइन टैरोट आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ठीक है, अगर ये पर्सन सच में अपने काम को लेकर बिज़ी है, तो फिर डेफिनेटली उन्हें स्पेस देना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि काम इम्पॉर्टेंट है, वर्क इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपको अपनी इंट्यूशन की पावर जो है उसे बढ़ानी होगी, और ये समझना होगा ये जो पर्सन है, एक्चुअली उनके सिचुएशंस क्या है, एक्चुअली वो क्या, उनकी फिनेंशियल कंडीशन, या वो अपनी लाइफ में क्या कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सचमुच अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो आपको एक बेहतर लाइफ दे सके इन फ्यूचर, या फिर अगर ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर सके इन फ्यूचर फाइनेंशियली, तो इसकी वजह से वो बिज़ी है या काम में बिज़ी रहते हैं, तब शायद आपको भी इनके जो इमोशंस हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, आपको भी समझना होगा। और आपको एक्चुअली अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे,
क्या ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको खुशी देता है? आप सचमुच, मुझे ऐसा लगता है आपके मन में जो फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रू फीलिंग्स हैं। तो एक दूसरे को थोड़ा वक्त दीजिए, देखिए कुछ समय के बाद क्या आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक दूसरे को थोड़ा वक्त दीजिए, उन्हें भी थोड़ा स्पेस दीजिए, इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दीजिए, और फिर देखिए क्या आगे चलकर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं इमोशनली, ठीक है? और आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं, गोल्स हैं लाइफ में, अगर वो किसी भी तरह से अलाइन हो जाते हैं बाय गॉड्स ग्रेस इन फ्यूचर, तो आप डेफिनेटली एक दोनों एक साथ एक फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो टैरोट डेक मुझे यही बोल रहे हैं कि आप रिश्ते में इस पर्सन के साथ हैं, डेफिनेटली रिश्ते में रह सकते हैं, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा कदम उठाने से पहले इस रिश्ते को और थोड़ा वक्त दीजिए, एक दूसरे को और थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, फिर एक डिसीजन आप दोनों ही ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन ओरेकल डेक आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन ओरेकल डेक, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। डियर ओरेकल डेक, प्लीज़ प्रोवाइड माय व्यूअर्स विद डिवाइन गाइडेंस। ऑलराइट, चलिए तो ओरेकल डेक का भी मैसेज हमें अभी मिल चुका है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखिए प्रिय दर्शकों, यही मैंने बोला था अभी, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप सच में इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं? कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, देखिए, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप एक्चुअली इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो फैसला आप सोच समझ के कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है? अभी आप इस रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छी बात है। इस रिलेशनशिप से अगर आपको खुशी मिलती है तो डेफिनेटली हमें खुश होने का हक है, लेकिन आप सच में क्या करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा टाइम लीजिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, टू रिवील योर डिसीजन। आपका जो डिसीजन होगा फाइनल इस पर्सन को लेकर, तो वो डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को और इस पर्सन को, थोड़ा स्पेस दीजिए उन्हें भी और ख़ुद को भी। आप भी अपने जोन में रहिए, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए और अपने काम पे, और इनके साथ भी कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए, और देखिए इन फ्यूचर यू नो टाइम विल गाइड यू। आपको डेफिनेटली ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। समय के साथ आप डेफिनेटली इस पर्सन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है प्रिय दर्शकों, आपको आज की रीडिंग से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। सो मिलते हैं अगली बार एक नई रीडिंग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो और एक्सचेंज के लिए। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, थैंक यू, बाय।